हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल और आज हम लोग लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे एफटी 2021 दिसंबर में जो पेपर हुआ था उसका। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, एफटी में कई बार क्वेश्चंस के आंसर गलत हो जाते हैं, है ना। ऐसा बहुत बार मैं देख चुका हूँ। इस साल ही देखें तो दो क्वेश्चंस के आंसर गलत मिल चुके हैं। आपके स्क्रीन पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, इन चारों ऑप्शन में से इसका एक भी सही आंसर नहीं है। अभी मैं सॉल्व करके बता दूंगा। अच्छा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दो जब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा, आप लोग अच्छे से देख रहे हो। तो ये सजेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जब आप आईएफटी लिख रहे हो, ठीक है, उस समय अगर किसी क्वेश्चन का आपका आंसर ना आ रहा हो, है ना, तुरंत छोड़ के आगे बढ़ जाना, क्योंकि उसमें फिर टाइम खपाना आप अपने ही टाइम की बर्बादी करोगे। और आईएफटी में देखो, टाइम बहुत लिमिटेड होता है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना जो मैंने कहा, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा हो तो उसको तुरंत छोड़ के आगे बढ़ जाना। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि उनका आंसर ही गलत हो। चलो, हाउ मेनी फोर लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड कोरोना वायरस। अच्छा, नया तो सोच लिया नो, नहीं, लास्ट ईयर की कोरोना आया था तो चलो कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। लेकिन जल्दबाजी में पता नहीं यही लोग सॉल्व नहीं कर पाए। ठीक है, अच्छा, फोर लेटर्स से तो देखो दो तरीके हो सकते हैं इसमें। अच्छा, रिपीटेशन वाले कौन कौन से हैं पहले ये लिख लेता हूँ, उसके बाद अपन सॉल्व करते हैं। देखो, सी इसी ओ टू टाइम्स आ रहा है उसको भी रहने दो, आर टू टाइम्स आ रहा है उसको रहने दो, एन ए वी आई आर तो आ चुका यूएस, ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 एट नाइन 10 11 ओ टू टाइम्स आर टू टाइम्स। ठीक है, अच्छा, चार लेटर के बनाने, फोर लेटर 1 2 3 4। तो एक तो केस हो सकता है कि दोनों रिपीट हो, यानी ओ और आर आर का केस हो जाए। एक केस हो सकता है जब इन दोनों में से कोई एक डबल टाइम रिपीट हो जाए, यानी या तो ओ हो जाए या आर आर हो जाए। ठीक है, एक केस हो सकता है कि चारों ही अलग अलग हो, इसके अलावा तो कोई केस नहीं होगा, है ना। ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई केस ही नहीं बनेंगे। इसको फैक्टोरियल 4 अपॉन ओ 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो फैक्टोरियल 2, आर 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 4 24 अपॉन 4 6 केस। ठीक, यहाँ पे आके 6 लिख देते हैं, आखिरी में ऐड कर लेंगे। अब देखो, ओ तो आ गया, अब देखो 7 तो ये थे और एक आर को ऐसा ले लेता हूँ तो टोटल 8 नंबर्स हैं। ठीक है, 8 में से कोई भी 2 ले लो। ठीक है, 8C2 आ गया। अच्छा, 8C2 को सॉल्व कर लेता हूँ तो n इंटू n माइनस 1/2 होता है 28 केस, है ना। ये अब चार लेटर मिल गए, इनको अरेंज करने के तरीके, फैक्टोरियल 4 बाय 2 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2, तो इसको सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, 14 इंटू 24। सॉल्व कर लेते हैं, 336। सेम लॉजिक इसमें लग जाएगा, ये भी केस क्या हो जाएंगे, 336। अब चारों अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो देखो, 7 तो डिफरेंट है, एक ओ ले लो एक आर ले लो, तो 9 आउट ऑफ 9 हमें 4 लेटर्स चाहिए, तो इसमें पूरे 9 आ सकते हैं, इसमें 8, इसमें 7, इसमें 6, है ना। बिना कैलकुलेटर के तो ऐसे ही करूंगा मैं भी, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। थ्री सेवन जीरो टू, है ना। वैसे लगाएंगे नहीं, लेकिन ये डिजिट इधर उधर करना भूल गए, है ना। आंसर इसका क्या आएगा, करेक्ट आंसर जो है वो होगा 3702। तो उम्मीद है कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला देखो, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। 1 से लेकर 100 तक में पॉजिटिव इंटीजर बताने और एन क्या होना चाहिए, 2 3 5 से डिवाइड ना हो। सबसे आसान तरीका हमेशा याद रखना, 100 लो, 2 से डिवाइड ना हो तो 1 माइनस 1/2, 3 से भी ना हो 1 माइनस 1/3,
फाइव से भी ना हो, वन माइनस वन बाय फाइव इतना कर दो। बाकी लोग पूरी सेट थ्योरी लगा के सॉल्व करेंगे और आप विद इन 30 सेकेंड्स आंसर दे दोगे। तो 100/2 50 इंटू, पहले ये कर लो, 1 - 1/5 4/5, ये आ गया 40। अब कर लो 1 - 1/3 2/3, है ना, तो आ गया 80/3 26 पॉइंट समथिंग होगा। 26 थ्री से 78 होता है, या करके देख लो, 26.66666 26 लगा दो, ऑप्शन सी खत्म। था नहीं अच्छी ट्रिक, याद रखना इसको। शानू एंड इशू प्ले अ टॉसिंग गेम, दे अल्टरनेटिवली टॉस अ कॉइन, हूएवर रिसीव हेड फर्स्ट विन द गेम। ठीक है, व्हाट इज इशूज चांस ऑफ विनिंग द गेम इफ शानू गेट्स अ चांस ऑफ टॉसिंग। अच्छा, इसमें जो जीतेगा हारेगा, सिक्का टॉस कर रहे, प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही रहेगी। चाहे आप जीतो, हेड लाने की प्रोबेबिलिटी दोनों केस में, हारने में भी 1/2 रहेगा, जीतने में भी 1/2 रहेगा। ठीक है, अब फर्स्ट चांस इसकी शानू, पहले शानू हार गई है ना, ठीक है, जीतना किसको है, इशू को, है ना, तो अगली चांस में इशू जीत गई। या कैसे इशू जीतेगी, शानू हार गई, इशू हार गई, शानू को तो हर बार हारनी है, अब इशू जीत गई, या शानू हार गई, इशू हार गई, शानू हार गई, इशू हार गई, शानू हार गई, इशू अब जीत गई, एंड सो ऑन, ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स तक चलते रहेगा। ठीक है, अच्छा 1/2 ही वैल्यू है, तो पहले में 1/2 का 2 बार आ रहा है, फिर 1/2 4 टाइम्स आ रहा है, फिर 6 टाइम्स आ रहा है ना, एंड सो ऑन। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ए अपॉन 1 - r, है ना, फर्स्ट टर्म क्या है 1/4, कॉमन रेशियो भी 1/4 ही रहेगा, तो 1 - 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 1/4 - 1 3, 1/3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। आसान था, ये तरीका सीख लेना, कई लोग बेचारे क्वेश्चन देख के ही छोड़ देते हैं, 1/2 लगा देते हैं, दोनों ही गलत था, इनफाइनाइट जीपी लग जाती इस टाइप के क्वेश्चन में, सिंपल है। फोर्थ क्वेश्चन, वन कैन यूज 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू रीच द्वारका टू गाजियाबाद। ठीक है, द्वारका से आपको कहाँ जाना है, गाजियाबाद। दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैव वेरिंग स्पीड 20/3। लास्ट ईयर गया था मैं द्वारका, मुझे आ गई थी, बहुत अच्छी जगह है ना, आप में से कौन कौन जा चुका है बताओ कमेंट सेक्शन में, है ना, एक ट्रिप लगाई थी द्वारका, सोमनाथ, दीव, अहमदाबाद, ये सब कवर किया था गाड़ी से, बाय रोड गया था भोपाल से। ठीक है, 10 दिन की ट्रिप थी, भोपाल से अहमदाबाद, द्वारका, सोमनाथ, दीव और वापस, मज़ा आ गई थी। खैर चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वेयरिंग स्पीड 20, 30 and 50 किलोमीटर पर आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, टू रिच गाजियाबाद फ्रॉम द्वारका, समीक्षा टुक ईच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 1/5, अच्छा टी टाइम मान लो समीक्षा को लगता है ना, तो समीक्षा की केस की बात करें, समीक्षा टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, पहले टी बाय फाइव चलेंगे 20 की स्पीड पे, है ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, टू 20 इंटू टी बाय फाइव, प्लस अगला 2t/5 इंटू 30, और अगला क्या हो जाएगा 2t/5 इंटू 50, कितना हो गया टोटल, ये हो गया 4, 12, 20, टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 36। तो t के फॉर्म में मुझे डिस्टेंस पता चल गई, डिस्टेंस कितनी है 36t। ठीक है, और समीक्षा को टाइम कितना लग रहा है टी आर्स, ये हमने ज्यूम कर लिया था। अब आगे बात करो, वेल श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ये टोटल डिस्टेंस 1/6, यानी 36 का 1/6 क्या हो जाएगा 60, ये इसने ट्रेवल किया 20 की स्पीड पे, अब इसका टाइम निकाल लेते हैं, तो अपॉन 20 प्लस फिर से 1/6 यानी 60
ये किया है 30 की स्पीड पे, इसका टाइम ये हो जाएगा। प्लस अब 12 हो गया, बचा 20, 40, है ना, 6 4 24, 4/6 था होता टोटल डिस्टेंस, ये किया 50 पे। ठीक है, इसका टाइम देख लेते हैं टोटल कितना आ रहा है। इसको 100 ले लो एलसीएम में, तो 25 है ना, 30 + 20 + 48 टी, तो ये कितना आ गया, 98.98 टी। तो श्रेष्ठ को लग रहे हैं 0.98 टी, और समीक्षा को कितना लग रहा है टी, है ना। द परसेंटेज बाय विच समीक्षा ट्रेवल टाइम एक्सीड्स श्रेष्ठ ट्रेवल टाइम, ट्रेवल टाइम है ना, कंपेयर किससे करो, श्रेष्ठ से, तो 0.02 ज़्यादा है, अपॉन किससे कंपेयर कर रहे हैं, 0.98 से इंटू 100, इतना परसेंट हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट करना, 1/49 इंटू 100, अप्रॉक्सीमेटली देखो तो 50 होता तो 2% हो जाता, तो अप्रॉक्सीमेटली 2% आएगा, ऑप्शन बी। सिंपल था, है ना, उम्मीद है अच्छा से समझ में आ गया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा खासा कैलकुलेटिव है, और ये जो वैल्यू है ये प्राइम नंबर भी है, छोड़ने में ही भलाई है, फिर भी सॉल्यूशन देख लो, है ना, क्योंकि इजी कैलकुलेशन पे आ गया तो करना आना चाहिए। श्याम ने लगाए 2000 रुपये, इन्होंने बिटकॉइन की जगह किटो कॉइन कर दिया। ट्रेडिंग एप अवेलेबल इन हिज मोबाइल, इन्वेस्टेड अप्रिशिएटेड 3 ईयर बाय 10% कंपाउंडेड रेट ऑफ अप्रिशिएशन, द अप्रिशिएशन अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट दैट इज रिजल्ट 3 ईयर डेप्रिशिएशन। देखो 2000 था, 1 + 1/10 11/10 का क्यूब हो गया, ये अमाउंट हो गया। अब ये इक्वल है डेप्रिशिएशन के, ये 3917 से डेप्रिशिएट हुआ है ना, वही 1 - R/100 की पावर 3। आर निकालना है बेसिकली, क्योंकि डिफरेंस बताना है कंपाउंड रेट ऑफ अप्रिशिएशन एंड डेप्रिशिएशन, तो अप्रिशिएशन तो 10% था, डेप्रिशिएशन निकालना है। देखो 1331 तो 2 × 1331 हो जाएगा, अपॉन 3917 इज इक्वल टू 1 - R/100 का क्यू। अच्छा वन थ्री, इसको मोटा मोटा 3 टाइम्स ले लो, है ना, रफली बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि वैसे तो अपन कर नहीं पाएंगे। तो 2/3 का क्यूब रूट लेना है, क्यूब रूट ऑफ, अच्छा 2/3 भी क्या होता है, 0.66, ठीक है, 0.66 ऐसे चलते जाएगा, इसका क्यूब रूट लेना है, इज इक्वल टू 1 - R/100। अब देखो थोड़ा बहुत तो कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। अच्छा देखो 12 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, ठीक है, 12 का होता है 1764 8, 13 का तो उससे भी ऊपर होता है, तो पॉइंट में देखें तो ये आना चाहिए 12/10 समथिंग, है ना, और उससे कम ही आएगा। तो फाइनली देखो कंफ्यूज तो होंगे ही होंगे, और इतनी खतरनाक कैलकुलेशन भी नहीं है बिना कैलकुलेटर के, है ना। आंसर में बता दें, ये जो आर आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली, ये आ जाएगा 12%, और इन्होंने 12 और 10 का डिफरेंस पूछा था, 2 आंसर, एग्जाम में आए तो छोड़ देना, ठीक है। और किसी को ये कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक पता हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे भी बता देना, तो मैं भी सीख जाऊँगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।